हेलो एंड वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स। जैसे कि बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि ग्रुप डी के टेस्ट में आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा जो स्कोर है वो समटाइम्स 70 के नीचे भी होता है और कभी कभी 70 प्लस भी मैं स्कोर कर लेती हूँ और कभी कभी तो 80 प्लस भी मेरा चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि टेस्ट में क्वेश्चन किस टाइप के थे। बट एक चीज़ जो है जो मैंने नोटिस की हुई है और आपको भी मैं बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से हम हमेशा 70 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, उसका यही फॉर्मूला है कि गाइस आप तुक्के कम से कम लगाइए। आप खुद नोटिस करिएगा, मैं आपको वीडियो में आगे अपने दो टेस्ट दिखाने वाली हूँ। एक में मैंने क्या किया है, एक में मैंने थोड़े तुक्के मारे हुए हैं, तो आप देखिएगा उसमें मेरे जो रॉ स्कोर हैं वो बहुत कम हैं। और एक और टेस्ट का मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, उसमें आप देखिएगा कि मेरे जो रॉ स्कोर हैं 75 प्लस हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि 70 प्लस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इसका एक यही फॉर्मूला है कि आपसे जितने क्वेश्चन बन रहे हैं आप सबसे पहले उसे अटेंड कर लीजिए, और यदि चार ऑप्शन में से आपको तीन या चारों में कंफ्यूजन है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप ही कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चार ऑप्शन में से एक सही को चुनना बहुत मुश्किल होता है जब हमें कोई भी आंसर उसका पता ना हो या हम उसमें 100% श्योर ना हो कि कौन सा सही है। हाँ, अगर दो ऑप्शन जो हैं उसमें यदि आपको लगता है कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, और आप किसी एक ऑप्शन में 60% श्योर हैं और दूसरे ऑप्शन में आप 40% श्योर हैं, तो आप वहाँ पे तुक्का लगा सकते हैं। बट यदि चारों ऑप्शन या तीन ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहे हैं तो आपका वो क्वेश्चन छोड़ना ही बेटर होता है। तो एक यही कहिए कि शॉर्ट ट्रिक है या फिर एक फॉर्मूला है किसी भी जो एग्जाम है उसको क्वालिफाई करने का, कि आप वहां पे तुक्के कम से कम मारिए। जितने आप तुक्के कम मारेंगे उतना आपका माइनस मार्किंग कम होगी, और माइनस मार्किंग कम होगी तो आपने आपके जो रॉ स्कोर हैं वो अच्छे रहेंगे, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप क्वालिफाई कर जाएं। बट यदि आपने तुक्के ज़्यादा मारे हैं या ज़्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपने बहुत सारी गलतियां कर दी हैं और बहुत सारे तुक्के मार दिए हैं, तो हो सकता है कि आप 70 प्लस नहीं 60 के भी नीचे आ जाएं। तो एक यही मैं आपको बताना चाह रही थी। अब मैं आगे आपको दिखाने वाली हूँ मेरे जो दो टेस्ट थे उसका स्क्रीनशॉट। देखिए गाइस, ये जो मैंने पहला टेस्ट लगाया है इसमें मैंने टोटल 85 क्वेश्चन अटेंड किए थे। इसमें से देखिए 71 मेरे सही हैं और 14 गलत हैं, इसलिए माइनस मार्किंग होने के कारण मुझे सिर्फ 66 मार्क्स ही मिले हैं। अब देखिए मेरा दूसरा टेस्ट, इसमें मैंने टोटल 87 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे जिसमें से मेरे माइनस मार्किंग कम हुए हैं, 9 मेरे रॉन्ग हैं और 78 मेरे सही हैं, जिससे मेरे को 75 मार्क्स मिले हैं। अब ये देखिए तीसरा और लास्ट मेरा, इसमें देखिए अटेम्प्ट मेरे अच्छे हैं 89 और मेरे करेक्ट जो क्वेश्चन है वो हैं 78 और मेरे जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए हैं वो हैं 11, तो कुल मिलाकर मुझे जो रॉ मार्क्स हैं वो 74 समथिंग मिले हैं।